अब घातक वैश्विक कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान आप नहीं जान सकते कि आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड। इस खतरनाक वायरस के संपर्क में आने के बाद इन्फेक्टेड व्यक्ति 14 दिनों तक लक्षण नहीं दिखा सकता है, इसलिए सर्जिकल मास्क सभी मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड हो सकता है उसके छींटे बूंदों से खुद को बचाए। यह मुख्य रूप से छींकने पर निकट संपर्क, स्त्राव और बूंदों से फैलता है, क्योंकि बूंदों का आकार लगभग 5 माइक्रोन होता है और पिघली हुई लेयर अनिवार्य रूप से एक फिल्टर है। वायरस वाले बूंदों को सतह पर विद्युत रूप से एड्सॉर्ब किया जाएगा और मास्क को घुसपैठ नहीं कर सकता है। यदि आपका मुखौटा ठीक से फिट है तो फेस मास्क आपके मुंह और नाक और वायरस के बीच एक बुनियादी अवरोध पैदा करेगा। एक पूरी तरह से मास्क पहनने से इन्फ्लुएंजा, घातक कोरोना वायरस आदि और वायुजनित वायरस से अपना बचाव करने में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि दूसरों को संक्रमित करना या सार्वजनिक लोगों से संक्रमित होने से बचने के लिए एक फेस मास्क पहनना जरूरी है। मास्क को हर जगह पहनना अनिवार्य है, जैसे कि बस, टैक्सी, मैरिज पार्टी, होटल, अस्पताल, उद्योग इत्यादि, क्योंकि यह मानव के जीवन स्वास्थ्य चेतना के लिए एक वायरस खतरा है। इसलिए डिस्पोजेबल फेस मास्क के लिए विशाल बाजार उपलब्ध है। यही कारण है आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डिस्पोजेबल फेस मास्क के व्यवसाय बनाने की जानकारी आपको दे रहा है। मिडी द्वारा दिए गए इस जानकारी की सहायता से आप डिस्पोजेबल फेस मास्क का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उन्हें आसानी से बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि इस व्यवसाय में किन मशीनों की आवश्यकता होगी। ब्लैंक मास्क मेकिंग मशीन, ईयर लूप फिक्सिंग मशीन, कंप्रेसर, स्टेबिलाइजर, पैकिंग या सीलिंग मशीन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिना रॉ मटेरियल के कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सकता, तो डिस्पोजेबल फेस मास्क बनाने के लिए आपको नॉन ओवन फैब्रिक, मेड ब्लोन फैब्रिक, नोज वायर, ईयर लूप और पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। प्रोसेस। उचित शल्य चिकित्सा फेस मास्क आमतौर पर 3 परतों से बना होता है, जैसे पीपी नॉन ओवन प्लस फिल्टर प्लस पीपी नॉन ओवन। मशीन पर 3 लेयर के संयोजन के लिए आवश्यक आकार की लेयर की भूमिका होती है और ये 3 परतें मशीन से गुजरती है, जहां नाक के क्लिप द्वारा तय किए गए एल्यूमिनियम तार को टुकड़े टुकड़े में 3 परतों में सिलाई करते हैं और मशीन द्वारा कान के छोरों को सील किया जाता है। फिर आवश्यक आकारों में कट कर दिया जाता है। फिर ये तैयार मास्क पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। इस तरह आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या अधिक विवरण के लिए या कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस और फाइनेंशियल सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।